दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन आज इन कयासों पर विराम लग गया है। दरअसल अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लवली के साथ ही कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा।